पवार महाराज भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर हैं, मैं समझता हूं निश्चय उनकी विराट विजय होने वाली। क्या इसका मायना हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब वो शामिल हो गए, इस वजह से उनकी जीत होगी, तो इसका मतलब कि मोदी जी की वजह से जीत होगी, लेकिन जो रॉयल्टी का असर यहाँ पर होता था वो नहीं है, जो राजघराने का जो प्रभाव था वो अब नहीं है। मैडम, कांग्रेस की स्थिति खराब थी, महाराज सिंधिया की स्थिति पहले भी खराब नहीं थी, चूंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और विकास पुरुष है, ऐतिहासिक मतों से गुना की जनता विजयी बनाएगी। कांग्रेस में भगदड़ मची है, सारे लोग जनाधार खो चुकी है, कांग्रेस नेता नहीं बचे हैं। महाराज सिंधिया भारी मतों से जीतेंगे और शहर में विकास की नई इबारत लिखेंगे। ये पीछे ही आप देख सकते हैं कांग्रेस का दफ्तर है और हम वहीं पर हैं। भगदड़ मची है क्या कांग्रेस में, लगता है आपको कि नेतृत्व विहीन हो गई है पार्टी, यही वजह था, ये वजह रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा, किस तरीके से देखते हैं आप उनको? हमारा कहना यह है कि किसी की कनपट्टी पे बंदूक रखकर उससे कहोगे कि बोल तेरा नाम उल्लू है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए उल्लू भी अपना नाम बता देगा। आज जिस तरह से ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे डालकर आप लोगों को बरगलाकर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है। इनके नेता थे प्रभात झा, उनने सिंधिया जी पे आरोप लगाया था आज से 5 साल पहले जब कांग्रेस में थे तब, कि उनने 5,000 बीघा जमीन शिवपुरी की कब्जा कर लिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जो 5 साल पहले कह रहे थे, क्या वो सही थे? यदि वो सही थे और सिंधिया जी भूमाफिया हैं, तो क्या आज भी पाक साफ हो गए? तो इस तरह से किसी पर पहले आरोप लगाना और उसके बाद उसे उस आरोप में घेर कर अपनी पार्टी में शामिल कर लेना, ये इनका शकल है। लेकिन यही तो संघर्ष है ना, राजनीतिक संघर्ष तो यही कहलाता है। अभी देखिए जिस तरीके से इंदौर में आपके जो बम है वो शामिल हो गए बीजेपी में, ऐसे ही सूरत में तो निर्विरोध ही चुन लिए गए प्रत्याशी। ये जो एक सिलसिला शुरू हो गया है कांग्रेस के नेताओं का भाजपा ज्वाइन करने का, ये तो पार्टी को कहीं कमजोरी करती जा रही है, जबकि मुद्दे हैं उन मुद्दों को नहीं उठा पा रही है पार्टी। मेरा कहना यह है कि नरोत्तम मिश्रा जी जो इनके नेता है, उनने परसों ही घोषणा की है कि बीते 2 महीनों में इनने कांग्रेस पार्टी के 1,00,000 कैडर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। इसके बाद भी आज कांग्रेस जिंदा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस उस अमृत की तरफ है कि आप कितना ही उसमें से भर लो, उस सागर की तरफ है कितना ही आप उसमें से भर लो। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस मुक्त देश बनाने की, जबकि भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।